खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का वही रहेगा, डोंट डाई विदाउट क्राइस्ट। एंड इंग्लिश उर्दू में, यीशु के बगैर मर ना जाएं। यीशु के बगैर इस जीवन को छोड़े ना, यीशु के बगैर दुनिया को ना छोड़ जाएं, यीशु के बगैर मर ना जाएं। वजह कि सब कुछ देने वाला यीशु मसीह है। अब्दियत में हम सब टाइम जोन में हैं, हमने टाइम जोन को छोड़ना है और वापस अब्दियत में जाना है। ये जीवन मैक्सिमम 120 साल का, या किसी को और शफकत हो जाए शायद कुछ ज्यादा दिन मिल जाए, साल मिल जाए। बिलाखर इस जीवन को लाजमी 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 छोड़ना है दोस्त। हमारे जितने भी दुश्मन हों किसी भी मुल्क में, वो मुसलमान हो, वो कातिल हो, वो खूनी हो, वो कोई भी क्यों ना हो, हमें उनसे एक मोहब्बत जरूर है। और वो वही मोहब्बत है जिसका मत्ती की इंजील में है कि तू अपने दुश्मन से अपनी मानद मोहब्बत रख। आप जितने भी दुश्मन हैं और सुन रहे हैं, तवज्जो दें, ध्यान दें, अगर आप सुन सकते हैं तो। अगर आप में जिगरा है, हजम करें बात को। हम आपको दुश्मन होने के बावजूद प्यार करते हैं। प्यार की वजह क्या है? एक ही वजह है, जैसे मैं नहीं चाहता कि मैं जहन्नम में जाऊं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई दुश्मन जहन्नम में जाए, क्योंकि वहां पे अबदी रोना चलाना होगा और हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन उस अबदियत में जाए रहा जहां रोना चलाना हमेशा के लिए होगा। इसलिए हमें ये हुक्म है कि हम अपना दुश्मन से अपनी मानद मोहब्बत रखें। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे आंसू पहुंचे जाएं, हमारे दुश्मन के भी आंसू पहुंचे जाएं। जैसे हम चाहते हैं कि हम अब्दियत में राहत में रहें, हमारे दुश्मन भी राहत में रहें। जैसे हम निजात याफ्ता हूं, वो भी निजात याफ्ता हूं। हाँ, वो चाहते हैं कि गले पे गला काटते जाओ, खून बहता रहे और खुश होते हैं। कलाम कहता है इसकेल 35वें बाब में कि जो खून का नहीं छोड़ता करना, खून उसका पीछा करता है। हाँ जी, 6-7 के आदमी जाके पढ़ लें जाके इसकेल 35वें बाब में, वो उसका पीछा करता है। हाँ जी, तो यूं आप यीशु के बगैर इस जीवन को छोड़ने की कोशिश ना करें। जहां कहीं भी आप हैं, जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप तौबा कर लें। यह हमारे पास सीक्रेट रिपोर्ट भी है, ओपन भी है कि बहुत से मुसलमान क्रिश्चियन हो रहे हैं हर जगह, हर मुल्क में। और इमाम बता रहे हैं, अब इमामों ने मसीहत के बारे में बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया है, जिससे मसीहत को और ज्यादा 4 चांद लग रहे हैं। इमामों ने कहना शुरू कर दिया है। शेख अब्दुल अजीज को जाके सुने उसके अल्फाज क्या है, जो ग्रैंड मुफ्ती है सऊदी अरब में, उसने मसीहत को बहुत बढ़ चढ़ के बयान किया उसकी हकीकत को थोड़े लफ्जों। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यीशु मसीह वही हमेशा की जिंदगी का मालिक है। मुकाशवा 1:8 मुकाशवा 21:6 मुकाशवा 22:13 सिर्फ यीशु ही अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है, अव्वल व आखिर है। यूहन्ना 1:2 उसके दूसरी आयत, सब कुछ उसी ने पैदा किया है,
हम उसके पास जाने वाले हैं, बुत प्रस्त उसके पास जाने वाले हैं, झूठे इस्लाम को मानने वाले उसके पास जाने वाले हैं, झूठे मोहम्मद को मानने वाले उसके पास जाने वाले हैं, यीशु मसीह के पास। कहां भागेंगे आप? अगर आप ये चाहते हैं मसीहों से प्यार लेना, तो यीशु को कबूल कर लें, क्योंकि असल प्यार यीशु में मिलता है और वो चाहता है कि हर कोई बच जाए। बगैर यीशु के इस दुनिया को ना छोड़े मेरे दोस्त, मेरे भाई, चाहे आप कितने भी जालिम हैं, आप कितने भी खूनी हैं, यीशु के पास आके आपको आराम मिलेगा, यीशु के पास आपको सुकून मिलेगा, यीशु ही के पास आपको हमेशा जिंदगी मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ वही दरवाजा है, उसमें से दाखिल होना लाजमी है। खुदा आपको बरकत दे।